सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साउजी और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं हमारे चैनल साउजी। दोस्तों बता दें कि भारत रत्न का ऐलान कर दे चुका जगह है। जी हां दोस्तों, भारत रत्न 2019 का ऐलान कर दे चुका है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही कि इसका जो ऐलान जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर पर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों कि 2019 के भारत रत्न का ऐलान आपका नाना देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी तो कुछ देर पहले ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दी है। बता दें दोस्तों कि भारत रत्न 26 जनवरी के मौके पर नाना जी को देशमुख और भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का ये आपका उसको जो फैसला लिया गया वो 26 जनवरी के तीनों को मिलेगा। बता दें दोस्तों, इनमें से नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका के ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जो अभी इसके पहले जो राष्ट्रपति थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने पर अलग अलग ट्वीट कर इनके योगदान के बारे में बताया है। मोदी के मुताबिक नाना देशमुख के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए ने सच्चा भारत रत्न बताया है, जबकि भूपेन हजारिका के बारे में मोदी ने लिखा है उन्होंने भारतीय परंपरागत संगीत दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। बता दोस्तों कि हजारिका एक संगीतकार थे, उन्होंने बहुत सारे संगीत गाए हैं, ठीक है, लिखे भी हैं, और उन्हें भारत में पर दुनिया भर में उसको लोकप्रिय बनाया है। वही उन्होंने प्रणब मुखर्जी को मौजूदा समय का बेहतरीन राजनेता बताया है नरेंद्र ये। बता दें दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता नाना देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय राजनेता संघ से जुड़े रहे हैं, जबकि भूटान हजारिका देश के नामचीन संगीतकार और गायक रहे हैं। बता दें दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो इसका जो तीनों का जो ऐलान है वो 25 तारीख यानी 26 से कल रिपब्लिक डे है, तो आज इसका ऐलान किया गया है और प्रधानमंत्री खुद ने इसको ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दी है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।